अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा है, इसी तरह का स्टेटस आप अपने लिए भी बना सकते हैं। बहुत इजी है, चंद स्टेप को फॉलो करना है, आपका स्टेटस तैयार हो जाएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी के साथ मिलती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्ले स्टोर से आपने काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ दरमियान में प्लस का आइकन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपने ये वाली रेशो सेलेक्ट करनी है। ये वाली रेशो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से येलो कलर का, क्योंकि मैं पेशावर जलमी का बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी टीम का बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकती हैं। तो मैंने ये चूज़ किया है। डन करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। इसको थोड़ी सी जो इसकी लेंथ है वो बढ़ा देंगे। ओके हो गया। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ये वाली जो चीज़ है, ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, आपने इसको ऑन कर देना है। ओके हो गया, डन कर देंगे। डन करने के बाद आपने फिर लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद फिर मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपने ये वाला लोगो सेलेक्ट कर लेना है। इस लोगो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे इस साइड पे लेके आएंगे। ओके हो गया। इसको यहाँ तक फुल लेंथ तक बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसको इस साइड पर ले आना है और इसको थोड़ा सा यहाँ से आपने बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपने जाना है यहाँ नीचे ओपेसिटी में। ओपेसिटी आप इसकी कम कर देंगे, यहाँ से 30% कर देंगे। डन हो गया। फिर आपने लेयर पे जाना है, आपने अपनी PNG सेलेक्ट करनी है, अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। PNG कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। हम यहाँ से किसी एक प्लेयर की पिक्चर लगा रहे हैं, यहाँ पे अब अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऐसे इधर, और ये हो गया, यहाँ पे लगा देंगे। इसको भी फुल लेंथ में कर देंगे। डन हो गया। डन होने के बाद अब आपने क्या कर जाना है, लेयर पे जाना है और यहाँ से फिर आपने वो वाला इफ़ेक्ट आपने लगा देना है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दूंगा। इसको यहाँ से ऐसे करेंगे रोटेट, ये हो गया। ये रोटेट करने के बाद आपने यहाँ से इसको फुल स्क्रीन सेट पे कर देना है। सेट करने के बाद आपने यहाँ से थोड़ी थोड़ी लेंथ जो है ना सबकी बढ़ा देंगे। और यहाँ से इसको बाकी हिस्से को ट्रिम कर देंगे। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ब्लेंडिंग के ऑप्शंस में जाना है। यहाँ नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपने इसे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर दें या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे लाइट कर दें। ठीक हो गया, डन कर देंगे। और इसको थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं जी। जी बिल्कुल, ये आपका स्टेटस रेडी हो चुका है। यहाँ पे अब अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं, मज़ीद कुछ ऐड करना हो तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसमें रह गई ऑडियो, तो यहाँ ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी सॉन्ग जो हमने बैकग्राउंड पे लगाना है। ये हो गया, डन कर देंगे। अब क्या करना है, इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे। सॉन्ग का कोई भी हिस्सा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। इसको स्टार्ट पे ले आएंगे। अब इसको प्ले करके जी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यह आपकी तरफ से एक इनाम होता है, हौसला अफजाई होती है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल देखते रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।